नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। एक लाइन आपने सुनी होगी, आपदा में अवसर। कुछ ऐसा ही कोरोना काल के दौरान होता हुआ नजर आ रहा है। एक तो इस महामारी ने देश और दुनिया को अपनी चपेट में लिया हुआ है। आलम यह है कि अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है और इन सब के बीच काला बाजारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। आलम अब ये हो गया है कि मजबूर जो परिजन है वो अपने पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की लूटमारी करने को मजबूर हो रहे हैं। खैर, इन सब के बीच अलग अलग कोने से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि पूरा एक रैकेट चलाया जा रहा है और इस रैकेट में कई सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं। हालांकि हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ये डॉक्टर्स कोविड के नाम पर पेशेंट्स के ऑर्गन्स निकाल रहे हैं और फिर उनकी कालाबाजारी कर रही है। इस तरह की खबरें अभी थमी भी नहीं थी कि इस बीच लापरवाही का आलम क्या है, इसकी बानगी महाराष्ट्र में देखने को मिली। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग को पैक किया हुआ है। ये पैक इसलिए किया हुआ है क्योंकि डॉक्टर्स ने और जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उन्होंने इस बुजुर्ग को मृत समझ लिया और उसके बाद इसको पैक करने के बाद इसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। वो तो भला हो कि वक्त रहते ये बुजुर्ग खांस गए और फिर सबको पता चला कि ये मृत नहीं है बल्कि इनके शरीर में सांसें चल रही हैं। वक्त रहते खांस गए तो बच गए, लेकिन ये जो लापरवाही होते होते बची है इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना काल में हालात क्या से क्या हो गए हैं। बता दें, विप्लव अवस्थी नाम के एक यूजर ने इस वीडियो को फेसबुक पर साझा किया है और तंज कसते हुए उन्होंने लिखा, समय बहुत खराब है, चाचा तो जल्दबाजी में पैक भी कर दिए गए, समय रहते खांस गए, नहीं तो क्या होता आप समझ सकते हैं। इसीलिए बार बार हम आपसे भी कह रही हैं कि कोशिश कीजिए कि अस्पतालों के चक्कर आपको भी ना ही लगाने पड़े, सावधानी बरतिए। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन की तरफ बढ़िए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए ताकि कम से कम आप सुरक्षित रहें और आपको अस्पतालों का रुख करना ही ना पड़े, क्योंकि अस्पतालों में ज्यादातर इलाज कम और कालाबाजारी ज्यादा हो रही है। और अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन पर ये सवाल भी उठा रही है। पूर्ण तौर पर पुष्टि नहीं है कि महाराष्ट्र का ही पूरा मामला है, लेकिन जिस एम्बुलेंस में इस बुजुर्ग को रखा गया है उसकी जो नंबर प्लेट है उस गाड़ी की, उस पर MH लिखा है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पूरा मामला महाराष्ट्र का ही है। ये वीडियो आप एक बार फिर से पूरा देखिए और फिर अंदाजा लगाइए कि इस देश में और इस देश के अस्पतालों में हो क्या रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।